हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें हम यूके का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे। पहले हमने यूके का कॉन्स्टिट्यूशन किया, देन इसके एग्जेक्टिव मोनार्क के बारे में किया, अब लेजिस्लेचर कर रहे थे। और लेजिस्लेचर में लास्ट सेशन में हमने किया ब्रिटिश पार्लियामेंट के सेलिएंट फीचर्स, एंड आज हम करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है एंड इसकी पावर्स क्या है और फंक्शंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैबिनेट है, कैबिनेट सबसे पावरफुल है। हम ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश में जितनी भी पावर्स मिली हुई हैं, सभी पावर किंग को मिली हुई हैं। लेकिन किंग अपनी पावर खुद नहीं यूज कर सकता, सभी की सभी पावर कौन यूज कर रहा है? कैबिनेट कर रहा है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि किंग इज द नॉमिनल एग्जेक्टिव हेड, एंड रियल हेड कौन बन गए? कैबिनेट बन गए। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कौन होते हैं, उसकी कितनी कैटेगरीज हैं? जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट की बात करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो कैबिनेट है, कैबिनेट का जन्म कैसे होता है? ब्रिटिश में जो कैबिनेट है, कैबिनेट का ओरिजिन एंग्लो सैक्सन पीरियड से होता है। जब उन्होंने इंग्लैंड पर कब्जा किया था तब उन्होंने मोनार्की स्टैब्लिश की, तो उन्होंने एडवाइजरी एक काउंसिल स्टैब्लिश की जिसकी वो एडवाइस लेकर ही अपना डिसीजन देते थे। इस तरह प्राइवेट काउंसिल आ गई, टाइम टू टाइम क्या हुआ, प्राइवेट काउंसिल थी, इनमें मेंबर्स इंक्रीज होते गए, तो किंग को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आने लगी। उनको प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर थे, उन सबके साथ डिस्कस कर एक डिसीजन लेना मुश्किल था। तब उन्होंने क्या किया, 5 persons को इंक्लूड कर लिया कि 5 persons के साथ ही हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो उनके नाम से ही इसको कैबिनेट कहना शुरू कर दिया। कैबिनेट, जब एक किंग 5 minister के साथ बैठता था तो वो एक प्राइवेट रूम में बैठते थे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे, तो उसी को कैबिनेट कहते हैं। तो टाइम के साथ साथ कैबिनेट है इसका एक्सपेंशन होने लगा और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर होगी। तो कैबिनेट मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं जो हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो मिनिस्टर्स की कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज कैबिनेट मिनिस्टर, इनका हाईएस्ट स्टेटस होता है। इसमें बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ट्रेड, फॉरेन सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। इस तरह जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जितने भी देश की हाई पोस्ट है वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर है आज के टाइम में इनकी गिनती 20 से 25 तक होती है। इट मीन्स क्या है, 20 to 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं इन अ पार्लियामेंट। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक। कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं कहलाते लेकिन कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर होते हैं, जिस सेकंड कैटेगरी होती है। जे क्या होते हैं, जे भी इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं एक डिपार्टमेंट के, तो इनको एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट मिला होता है जिसके सभी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है जे मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक के कर रहे हैं। एंड जे कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करते, जे तभी कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करते हैं जब इनको इनवाइट किया जाता है, अदरवाइज जे कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते। जो कैबिनेट मिनिस्टर है एक वीक में हो सकता है 2 बार मिल रहे हो, 3 बार मिल रहे हो, तो इनकी मीटिंग्स है बहुत फ्रिक्वेंटली होती है, लेकिन जे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नंबर थर्ड, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट थर्ड कैटेगरी के आते हैं। जे क्या करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं इनको असिस्ट करने के लिए रखे जाते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारे देश में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ असिस्ट करते हैं, इनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता। जो डिपार्टमेंट ओवरलोडेड होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी अपॉइंट किए जाते हैं। एंड लास्ट आता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज में इनको कहते हैं जूनियर मिनिस्टर। जे एक जूनियर मिनिस्टर होने के नाते ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जे क्या होते हैं, जे अटैच होते हैं विद मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर जो कुछ भी काम इनको देता है, जे सिर्फ वो ही काम करते हैं, इसके अलावा जे कोई और काम नहीं करते। इट मीन्स इनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट की जाती हैं, कुछ पावर्स दी जाती हैं
जी सिर्फ उन्हीं पावर्स को यूज करते हैं एंड जो भी मीटिंग का एजेंडा है, जो भी डिपार्टमेंट के अफेयर्स है, जी सब कुछ इनके द्वारा ही काम किया जाता है। तो ब्रिटिश में चार तरह के मिनिस्टर हैं, जिनको मिलाकर क्या बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी आते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक भी आते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी आते हैं एंड पार्लियामेंट सेक्रेटरीज भी आते हैं। एंड अब करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। जो जो चारे हैं, चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना रहे हैं एंड जो कैबिनेट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज होता है, जिसमें 65 से लेकर 70 तक मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन कैबिनेट का साइज क्या होता है, स्मॉल होते हैं, क्योंकि इसमें 20 से 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सिर्फ असिस्ट करती है टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इनके पास बहुत सारे पावर्स होती हैं, जे इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, तो जे इन्फ्लुएंस भी ज्यादा करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनकी मीटिंग्स बहुत रेयर होती हैं, लेकिन जो कैबिनेट है, इनकी मीटिंग एक या दो एक वीक में हो जाती है, कभी कभी इससे ज्यादा मीटिंग्स भी हो जाती हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनकी सैलरी में भी डिफरेंस होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सैलरी कम होती है कंपेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड इनकी सैलरी सबसे ज्यादा होती है। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सैलरी की बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स की ज्यादा सैलरी होती है। तो चेथा डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। एंड हम ये कह रहे हैं कि कैबिनेट क्या है, उसके बाद बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो अब हम करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट, कि कैबिनेट के पास कौन कौन से पावर्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो इनके फंक्शंस हैं, इनको हम 10 पार्ट्स में करते हैं। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मींस अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कौन कौन से फंक्शन है जो ये परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मिनिस्टर्स हैं, इनको अपना डिपार्टमेंट मिला हुआ होता है, पोर्टफोलियो मिला होता है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी मिनिस्टर की होती है। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मिनिस्टर की है, कैबिनेट मिनिस्टर की है। तो जे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करते हैं, जितनी भी लेजिस्लेचर में मीटिंग्स होती हैं, जो भी पॉलिसी डिटरमिन होती हैं, पास होते हैं, जो भी लॉ होते हैं, आगे उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, कैबिनेट करता है। इसीलिए जे बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी करते हैं। नंबर टू, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, जे देश में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से डिस्चार्ज करते हैं। इंटरनली कैसे, जैसे लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई वायलेंट इंसिडेंट हो गया या राइट्स हो गए हैं तो इसको भी कंट्रोल करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो देश में एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है, देश में पीस एंड सिक्योरिटी है, इसको मेंटेन कौन कर रहा है, कैबिनेट कर रही है। तो एक्सटर्नली कोई अग्रेशन हो जाए, इन्वेजन हो जाए, इससे प्रोटेक्ट कौन करेगा, कैबिनेट करेगी। इसके लिए मिलिट्री है, इसको भी पॉलिसीज बनानी है, ये काम भी कौन कर रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कर रहे हैं। तो कैबिनेट देश में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शंस है, तो इनके पास इन सब को रन करने के लिए इनके पास पावर्स भी हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, तो ये सभी इनके पावर में भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, देश में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर देश में कोई पॉलिसी बनानी है, एजुकेशन पॉलिसी बनानी हो, हेल्थ पॉलिसी बनानी हो, ये सब काम कौन करता है, ये कैबिनेट करती है। इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉलिटिकल पॉलिसी, सोशल मैटर्स के रिलेटेड कोई भी पॉलिसी हो, सभी की सभी पॉलिसीज के लिए कैबिनेट मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जे खुद ही सभी पॉलिसीज बनाते हैं। एंड नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, देश की नेशनल पॉलिसी एंड देश के बाद फॉरेन पॉलिसी, ये भी कौन बनाता है, ये कैबिनेट बनाते हैं। अगर किसी देश को स्टेट का स्टेटस देना या नहीं देना, ये डिसीजन भी कैबिनेट लेती है। जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, अब उसको जिस स्टेटस देना है या नहीं देना, ये भी डिसीजन कौन लेगा, कैबिनेट लेगी, कि तालिबान को अफगानिस्तान पर रूल करने का हम स्टेटस देंगे या नहीं देंगे। तो उसके साथ हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, ये सब कुछ कौन करता है, कैबिनेट कर रही है। तो जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज हैं, उनको अप्रूवल देना, पीस ट्रीटीज करना,
ये सब कुछ कौन कर रहा है? कैबिनेट कर रही है। तो इसके पास बहुत सारी पावर्स हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जितने भी डिसीजंस हैं कैबिनेट ही लेती है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेचर से रिलेटेड फंक्शन। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बिल को पास कराया जाता है, वो कौन करा रहा है? सभी बिल पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और इनके द्वारा ही पास करवाए जाते हैं। उसके बाद जो इनकी मीटिंग्स होती हैं, उनका एजेंडा भी इनके द्वारा ही तैयार कराया जाता है। और जो किंग एड्रेस करता है, उसकी एड्रेसिंग की रिपोर्ट है, एड्रेस तैयार करना है, स्पीच तैयार करनी है, जे स्पीच भी किसके द्वारा प्रिपेयर की जा रही है? कैबिनेट के द्वारा ही प्रिपेयर की जाती है। अगर किंग अपने बर्थडे पर किसी को टाइटल देगा, उसकी लिस्ट कौन तैयार करेगा? वो भी कैबिनेट मिनिस्टर ही है, वो तैयार करते हैं। एक लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में जो कुछ भी होता है, उन सब के लिए एजेंडा तैयार करना, मीटिंग तैयार करना, जो कोई भी काम है, जे सब कुछ कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। तो इनके पास बहुत सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शंस, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इनके पास फाइनेंशियल फंक्शन कैसे हैं? जैसे एनुअल बजट तैयार करना, जैसे हमारे देश में हर साल एनुअल बजट आता है लाइक दिस, तो वो सारा बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। एनुअल बजट, न्यू टैक्स लगानी है, इसका डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट लेती है। और देश में जितने भी पैसा आएगा, उसको कहां कहां पर कितना कितना खर्च करना है, इसका डिसीजन भी कैबिनेट लेती है। तो इनके पास फाइनेंशियल पावर्स भी बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस हम एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। हो सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम्स हो जाए, तो उन प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम कौन कर रहा है? कैबिनेट कर रही है। तो जितनी भी इंटर डिपार्टमेंट डिस्प्यूट्स हैं, इनको सॉल्व कौन कर रहा है? जे कैबिनेट ही करती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट्स। हम कह रहे हैं कि किंग है, हाई ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करता है, जज की अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन जिस सभी अपॉइंटमेंट किसके कहने पर की जाती है? जी सब कैबिनेट के द्वारा ही एडवाइस दी जाती है, फिर जाकर उनके अपॉइंटमेंट होती है। कैबिनेट प्रिपेयर करती है लिस्ट कि किस ऑफिसर को कहां पर अपॉइंट करना है, कौन सी पोस्ट पर कौन पर्सन अपॉइंट होगा। जी सभी डिसीजन कौन ले रही है? कैबिनेट ले रही है। एंड नेक्स्ट इज एज एन एडवाइजर टू किंग, जे किंग को एडवाइस देती है। वैसे तो कैबिनेट क्या है? एक किंग के एडवाइजरी कमेटी है, लेकिन आज के टाइम में थ्रेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंस आ चुका है। जो किंग है, किंग क्या बन चुका है? एक एडवाइजर बन चुका है। किंग ही काउंसिल को, कैबिनेट को एडवाइस देता है, लेकिन एक किंग के लिए जे एडवाइस भी देती है। तो कैबिनेट क्या करती है? किंग को एडवाइस देती है। जो भी एडवाइस किंग को कैबिनेट के द्वारा दी जाती है, एक किंग उस एडवाइस को ऑलमोस्ट मान लेता है और साइन कर लेता है। एंड अगर किंग को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी कैबिनेट ही प्रोवाइड कराती है। तो कैबिनेट क्या कर रही है? सभी काम कर रही है जो किंग से रिलेटेड है। तो जे एक एडवाइजर टू किंग भी है। एंड लास्ट वन इज जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल से रिलेटेड इसके पास क्या पावर्स है? किंग जज को अपॉइंट करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करता, इसके लिए उसको कोई फ्रीडम नहीं मिली हुई। वो करता है ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड चांसलर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। एंड अगर क्राइ टू पार्डन किंग यूज करता है, जिसमें वो किसी को भी माफ कर सकता है, वो भी किसके कहने पर करता है? कैबिनेट के कहने पर ही करता है। तो जितने भी किंग की पावर्स है, वो कौन कर रहे हैं यूज? कैबिनेट ही कर रही है। तो कैबिनेट के फंक्शंस बहुत हैं, क्योंकि इसके पास पावर्स बहुत है। अगर पावर्स मिली होंगी, तो उन पावर को यूज करेंगे, वो फंक्शन भी कैबिनेट प्ले करेगी। तो आज हमने किया कि कैबिनेट होते क्या है, कितने टाइप के मिनिस्टर्स हैं, इसके पावर एंड फंक्शंस क्या है। एंड नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे पोजीशन ऑफ कैबिनेट। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।